हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता छाबड़ा और कुकिंग के इस मज़ेदार चैनल लुक ऑन टू कुक ऑन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक अच्छी कंपनी किसी भी चीज़ का मज़ा दुगना कर देती है। ये बात खाने में भी लागू होती है। एक अच्छी डिश तभी कंप्लीट होती है जब वो एक अच्छी सी चटनी के साथ सर्व की जाए। ऐसी ही एक यूनिवर्सल डिप है मेयोनीज। बर्गर और सैंडविचेस की जान होती है मेयोनीज। बाजार की जो मेयोनीज होती है उसमें अंडा और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन आज हम जो मेयोनीज बनाने जा रहे हैं उसमें न तो अंडा है न ही कोई प्रिजर्वेटिव्स है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेज मेयोनीज विदाउट एग, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड। लेकिन 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 अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 2 कप दूध। इस कप से आप 2 कप दूध ले लें। 1 चम्मच विनेगर, इसकी जगह आप नींबू रस भी ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। तेल हमें दूध के अकॉर्डिंग लेना है। अगर हमने 1 कप लिया है तो 2 कप तेल यूज़ करेंगे। अब हम एक जार में 2 कप दूध, शक्कर और नमक को अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैंने जो ब्लेंडर यूज़ किया है वो स्टिक ब्लेंडर है। इससे बहुत अच्छी मेयोनीज बनकर तैयार होती है। मेयोनीज जिस तरह की हमें गाढ़ी चाहिए वो इसी ब्लेंडर से या फूड प्रोसेसर से बनती है। आप मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेयोनीज की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं आ पाती। अब हम ऐड करेंगे इसमें विनेगर और फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है, तेल हमें एक साथ कभी नहीं डालना, धीरे धीरे करके। यहाँ आप देख रहे हैं ब्लेंडर मेरा चल रहा है और तेल मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसी तरह बिल्कुल तेल को मिक्स करें। अगर तेल एक साथ मिक्स करेंगे तो दूध फट सकता है और मेयोनीज अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो भी आप घबराइए मत। इसमें आप 2 चम्मच ठंडा दूध डाल दीजिए तो आपकी मेयोनीज ठीक हो जाएगी। मेयोनीज बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि इसमें आप चिल्ड दूध का यूज़ करें और तेल को कभी भी एक साथ न डालें। ये देख सकते हैं आप, मेयोनीज थिक होने लग गई है। अब हम इसमें और तेल ऐड करेंगे। तेल हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमने 2 कप दूध यूज़ किया है तो 4 कप तेल यूज़ करेंगे। कप बिल्कुल सेम होना चाहिए, जिस कप से हमने दूध लिया उसी कप से हम तेल को भी मेज़र करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेयोनीज बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें ना तो मैंने एग यूज़ किया है और ना प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है, फिर भी ये 3-4 दिन बिल्कुल आराम से चल सकती है। तो रेडी है हमारी वेज मेयोनीज। इसे आप सैंडविच, बर्गर्स किसी में भी लगा के खाएंगे, उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेयोनीज कितनी गाढ़ी बनी है। तो चलिए अब हम इसकी अलग अलग वेराइटीज़ प्रिपेयर करते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं बर्गर मेयोनीज। इसके लिए मैंने वेज मेयोनीज वाइट वाली ले ली है, जिसमें 1/4 चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/4 चम्मच येलो मस्टर्ड पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी शिजवान चटनी, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच टोमेटो सॉस। अगर आप इसका कलर ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो सॉस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी बर्गर वाली मेयोनीज बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम फटाफट से मिंट मेयोनीज भी बना लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, जिंजर और थोड़े से गार्लिक क्लोव्स। अब इन सभी को हम एक ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं और एक थिक पेस्ट बना लेते हैं। अगर आपकी चटनी थोड़ी सी पतली भी बन जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए अब हम बनाते हैं मिंट मेयोनीज। इसके लिए मैंने वेज मेयोनीज ले ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पुदीना का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी मिंट मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम बनाते हैं तंदूरी मेयोनीज। इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी वेज मेयोनीज ले ली है, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च,
थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा धनिया और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी तंदूरी मेयोनीज बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमने अलग अलग तरह की मेयोनीज मिनटों में बनाकर तैयार कर ली। तो आप बाज़ार से मेयोनीज लाने की बजाय घर पे ही क्यों ना बनाएं। इससे हमारी मेयोनीज फ्रेश भी होगी, उसमें कोई केमिकल भी नहीं होगा, और जो अंडा पसंद नहीं करते हैं वो बिना अंडे के भी इसे बहुत ही आराम से तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्ट वाली होती है। तो आप इसे फटाफट से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको टेस्ट में बिल्कुल बाज़ार जैसी लगी कि नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।